वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे सब्जियों में कुदरत ने ऐसे ताकत और गजाइत रखी है कि इनकी वजह से इंसान की सेहत ठीक रहती है इन सब्जियों में प्याज एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके माहरीने सेहत ने अनगिनत गिनत गिनवाए हैं इन में मौजूद एंटीबायोटिकलाहित का हामिल सल्फ़र इंसानी जिसम के लिए आब हयात का सा दर्जा रखता है आइए आपको प्याज के चंद फवायद बताते हैं वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्याज का सबसे पहला फायदा है हवा की सफाई घर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाव के लिए प्याज को काट कर घर के मुख्त हिस्सों में रख दें घर में बीमारी दाखिल होने के इम्कान मदूम हो जाएंगे प्याज का दूसरा फायदा यह है कि यह क्या को ठीक कर देता है प्याज को किसी कपड़े के साथ दबाकर कर उसका रस निकालें और इसमें पेपर मिंट के चंद कतरे डालकर थोड़ा सा गर्म करने के बाद ठंडा होने पर पी लें एक या दो बार पीने से क्या ठीक हो जाएगी प्याज बुखार को भी ठीक कर देता है रात को सोने से पहले दोनों पाओ पर नारियल का तेल लगाने के बाद प्याज को दो हिस्सों में तकसीम करके पाओ के दरमियानी हिस्से पर बांध दें और अब जुराब पहनकर सो जाएं सुबह तक बुखार उतर जाएगा और तमाम जहरीले मादे जिसम से निकल चुके होंगे प्याज से खांसी भी दूर हो सकती है प्याज को दो हिस्सों में तकसीम करने के बाद इसमें ब्राउन शुगर डालकर एक घंटे तक पड़ा रहने दें इसके बाद ये प्याज खाने से खांसी कम हो जाएगी प्याज सीने की जकड़न के लिए भी मुफीद है प्याज को पीसने के बाद इसमें नारियल का तेल मिलाकर इस पेस्ट को सीने पर दबा लें और चंद दिन तक ये अमल करें आप देखेंगे कि आपकी सीने की जकड़न ठीक हो जाएगी नाजरीन प्याज से पेट का दर्द भी ठीक हो जाता है पहले प्याज को उबालें और पानी ठंडा होने पर प्याज के चंद चम्मच पी लें कुछ ही देर में पेट का दर्द ठीक होने लगेगा प्याज कान के इन्फेक्शन के लिए बहुत मुफीद है प्याज को काट कर इसे किसी बारीक जुराब में डालें और फिर इसे कान के करीब जहां दर्द हो रहा है लगाएं तब तक लगाते रहें जब तक दर्द दूर ना हो जाए नाजरीन हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मज़द अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा